रदौर के गांव बपोली में करीब एक वर्ष से बंद पड़ी मुरलीधर केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना पर एसडीएम रदौर अमित कुमार इजेक के कुछ इंजीनियरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और बाद में मिट्टी व रेत की सहायता से लीकेज को बंद किया गया। ये तो ऐसा जी, ये फैक्ट्री थी जी यहाँ से काफी टाइम से जी, और ये केमिकल की फैक्ट्री है जी। पहले ट्वेल का पानी भी खराब हो चुका है यहाँ पर, ये पास में ट्वेल है सतपाल के नाम से जी, ठीक है। और ये तीन चार दिन से काफी धुआं निकल रहा, और इससे आने जाने वाले को बहुत तंगी हो रही है। यहाँ जैसे इसके पास से निकलते हैं जी तो आंखों में जलन महसूस होती है। प्रशासन से ये मांग है कि इसको बुझाया जाए और इस फैक्ट्री को या से यहाँ से हटवाया जाए। ये दो तीन दिन से ज्यादा निकल रहा है जी, आज ज्यादा ही हो गया। और कुछ क्या किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं इसमें? जैसे खाज आंखों में मतलब दुखने या लाल से हो जाए, बहुत घुटन सी पैदा होती है, हाँ सांस लेने में दिक्कत आती है। इसमें बहुत खतरा है जी, बच्चों को भी खतरा है और हमारे किसानों को भी, सारे यहाँ काम करना पड़ता है, जीरे में खाद भी डालना पड़ता है, सारों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो किसान भी दुखी हो रहे, किसानों ने खाद भी गिरने अपने उसमें आना भी आ गया, खेतों में पानी देने भी आना है। तो ये तो बहुत लीकेज हो रही, इसको करवाओ जी कैसे भी।